समाजवादी पार्टी के दो और बहुजन समाज पार्टी के एक विधान परिषद सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव ने अपने एमएलसी के इस्तीफों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। ये महज एक इत्तेफाक है कि जिस दिन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के लिए लखनऊ पहुंचे, उसी दिन यूपी में विधान परिषद के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में समाजवादी पार्टी के बुक्कल नवाब यशवंत सिंह और बीएसपी के ठाकुर जयवीर सिंह शामिल हैं। अखिलेश के करीबी माने जाने वाले विधान परिषद सदस्य बुक्कल नवाब ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब दल नहीं अखाड़ा बन चुकी है और 1 साल से वो पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। बुक्कल नवाब ने सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ की। क्योंकि 1 साल से जो है बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं, मतलब एक अजीब सा लगता है कि अगर वो पार्टी लिखते हैं, समाजवादी पार्टी लिखते हैं, संगठन लिखते हैं, तो बहुत आज की स्थिति बड़ी विस्फोटक है। क्योंकि पार्टी इनको लिखना ही नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी नहीं लिखना चाहिए, समाजवादी अखाड़ा लिखना चाहिए। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की छोड़ी गई सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बतौर एमएलसी भेजे जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर राजनीतिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मैंने ये कहा कि बिहार के में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ है बड़े पैमाने पर, लगता है उत्तर प्रदेश में भी यही भ्रष्टाचार होगा। हम तो कहते हैं जनता देख रही है और जिन साथियों को जाना है वो चले जाए, जो जाने वाला है उसको कोई नहीं रोक सकता है। योगी अभी गोरखपुर से सांसद हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर थे, वहीं दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद हैं। अप्रैल में सरकार बनने के बाद तीनों को 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनको लगता है कि इस पार्टी में किसी का कोई भविष्य नहीं है और अभी भी उनके यहाँ सिर्फ टोवल है। उनके नेता और कार्यकर्ता परेशान हैं। अखिलेश यादव अपना घर नहीं संभाल पा रहे तो सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के 3 दिन के लखनऊ दौरे पर ही उपचुनावों को लेकर योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ चर्चा होनी है। हमारी बात हुई है, आए थे और जेटली जी से हमारी बात हुई है और हम दिल्ली से लौट करके फिर बात करेंगे इसी और वो उन्होंने कहा था मैं अभी कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जो अवसरवादी थे उनकी पहचान हो गई। पार्टी का कहना है कि मौका परस अक्सर फायदे के लिए पाला बदल ही लेते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है और अवसरवादी है, ये सब पार्टी छोड़ दे जा रहे हैं तो इससे पार्टी और मजबूत हो रही। कम से कम कार्यकर्ता को लग तो रहा है कि चाटुकार लोग पार्टी से अलग हो रहे हैं, कार्यकर्ता को जो है वो कहीं ना कहीं अगुवाई मिलेगी, उनकी बात को सुना जाएगा। और एक षड्यंत्र भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ है, कुछ बड़े नेता षड्यंत्र कर रहे हैं पार्टी को तोड़ के बीजेपी को कुछ देना चाहते हैं जिससे वो सुरक्षित रह सके। यूपी चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए भी पार्टी में भगदड़ को रोकने की चुनौती होगी। अंदरूनी राजनीति से जूझ रही समाजवादी पार्टी के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।